पोहरी नगर परिषद क्षेत्र में ग्रामीणों को मुक्तिधाम सहित कब्रिस्तान में ग्रामीणों को टीन शेड पर्याप्त रोशनी न होने के चलते टॉर्च की रोशनी से करना पड़ता है अंतिम संस्कार। ग्रामीण अंचल में मुक्तिधामों सहित कब्रिस्तान में ग्रामीणों को टीन शेड और पर्याप्त रोशनी ने होने के चलते ग्रामीणों को परेशानियों के दौर से गुजरते अक्सर देखा होगा, लेकिन पोहरी नगर परिषद होने के बावजूद यहां के मुक्तिधाम सहित कब्रिस्तान पर ना ही टीन शेड की व्यवस्था है और ना ही रोशनी की। मामला शुक्रवार की रात का है, जहां पोहरी कस्बे के कब्रिस्तान में एक किशोरी की मौत के बाद उसके शव को रोशनी के अभाव में टॉर्च की रोशनी के सहारे दफनाया गया। दरअसल वार्ड क्रमांक 4 नया गांव की रहने वाली 15 साल की नेहा पुत्री नज़ीर हुसैन आज दोपहर घर के पास कुएं पर पानी भरने के लिए गई हुई थी। इस दौरान उसकी मौत कुएं में डूबने से हो गई थी। परिजन सहित पुलिस देर शाम तक पोस्टमार्टम सहित अन्य कागजी कार्यवाही में लगे रहे थे। इसी के चलते रात के समय पोहरी किला के पास स्थित कब्रिस्तान में किशोरी के दफनाने की प्रक्रिया रोशनी न होने के चलते टॉर्च के सहारे पूरी की गई। 9000 की आबादी, एक मंत्री, दो दर्जा प्राप्त मंत्री का गढ़ पोहरी, नगर परिषद पोहरी की जनसंख्या 9000 से भी ज़्यादा है। इसके बावजूद पोहरी कस्बे के मुक्तिधाम और कब्रिस्तान के हाल दूरदराज के गांव जैसे बने हुए हैं और ना ही टीन शेड की व्यवस्था है और ना ही रोशनी सहित पीने और बैठने की व्यवस्था की गई है। यही वजह है कि बारिश के दिनों में अंतिम संस्कार और दफनाने की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए ज़रूरत के सामग्री के साथ तिरपार को भी ले जाया जाता है। क्षेत्रीय विधायक एवं राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ हैं वर्तमान। इसके अतिरिक्त पोहरी से पूर्व विधायक प्रहलाद भारती और नरेंद्र विरथरे को मध्य प्रदेश सरकार ने वर्तमान में राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा है। इसके बावजूद आमजन की मुख्य समस्या को दूर करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बता दें कि नगर परिषद में वर्तमान में किसी भी अधिकारी को CMO नहीं बनाया गया है। बताया गया है कि एक साल के भीतर 11 CMO के तबादले पोहरी नगर परिषद से हो चुके हैं। बता दें कि 12 दिसंबर 2021 को 88 लाख रुपए का ठेका नगर परिषद पोहरी ने एक ठेकेदार को मुक्तिधाम में निर्माण कार्य करने के लिए दिया था, लेकिन घटिया निर्माण के चलते नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों ने यह कार्य रुकवा दिया था। तभी पोहरी के मुक्तिधाम की स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं कब्रिस्तान में व्यवस्था बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, पोहरी के लिए ये दुर्भाग्य के पल है कि तीन तीन राज्य मंत्री होने के बाद भी और भाजपा की सरकार होने के बाद भी पोहरी विकास से कोसों दूर है। अभी हाल ही के मामला हमारे संज्ञान में आया कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे शमशान घाट या कब्रिस्तान ले जाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि चाहे शमशान घाट हो चाहे कब्रिस्तान हो, वहाँ पर ना तो लाइट है ना समुचित व्यवस्था है। यदि रात में कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है तो उसको जलाने के लिए प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं है, चाहे वो कब्रिस्तान की हो चाहे वो हालत शमशान घाटों की हो। और तो और पौरी के शमशान घाट की तो ये हालत है कि मुर्दे को जलाने के लिए तिरपाल तक का सहारा लिया गया था। तो ये मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे पौरी के लिए है कि सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति का चोला ओढ़ती है और धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिम्मेदारों से अनुरोध करूँगा कि इसमें राजनीति न करके मूलभूत सुविधाएं हो, चाहे पानी की हो चाहे लाइट की समस्या हो, इसको दूर किया जाए। खासकर कब्रिस्तान और शमशान घाट में लाइट का इंतजाम किया जाए, जिससे रात में यदि किसी की मौत होती है तो समुचित स्थिति में चाहे वो मुर्दे को जलाया जाए या दफनाया जाए, उसको अच्छे से कर किया जा सके।